31 अक्टूबर 2013 वो दिन जब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा था, पर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या जापान में नहीं, ये इंजीनियरिंग मार्वल हिंदुस्तान की धरती पर बनने जा रहा था। अब दुनिया जानना चाहती थी कि आखिरकार इतनी विशाल प्रतिमा किसकी बनने वाली है। जवाब था सरदार पटेल, आधुनिक भारत के शिल्पकार। अपने लौह पुरुष को एक अद्वितीय अभूतपूर्व श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू हुआ विश्व को एकता का संदेश देती विश्व की सबसे विराट 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण गुजरात के ट्राइबल विस्तार में सरदार सरोवर डैम के सामने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। ये बड़ा सपना देखने वाले व्यक्ति थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इसे पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। तो पूरे प्रोजेक्ट का संकलन करने के लिए सबसे पहले स्थापना की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की, और पहले से ही वन बंधुओं के सामाजिक आर्थिक उद्धार का लक्ष्य भी रखा गया। पूरे प्रोजेक्ट का अमलीकरण सौंपा गया गुजरात सरकार की अनुभवी कंपनी सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को, और इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई इंडियन इंजीनियरिंग जायंट L&T को। कला कारीगरी की कमान संभाली भारत के महान शिल्पकार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री राम सुतार ने। पहले सैंपल के तौर पर 3 फीट, फिर 18 फीट और फिर 30 फीट से ऊंची प्रतिमा बनाई गई, जिस पर लोगों और एक्सपर्ट्स की राय ली गई, और फिर शुरू हुआ असल प्रतिमा का भागीरथी निर्माण। मूर्ति की डिजाइन के लिए प्रोजेक्ट के इजारदार सरदार सरोवर नर्मदा निगम, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के कई विभाग, प्रूफ कंसल्टेंट और PMC के द्वारा कई सारे वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस हुए। स्टैच्यू के निर्माण के लिए पहले जरूरी था नदी पर राफ्ट बनाना। यकीन नहीं होगा पर 4500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना केवल 132 घंटों में, वो भी लगातार काम करके। कंक्रीटिंग के कारण तापमान बढ़ता जा रहा था, तो इसे काबू में रखने के लिए साइट पर ही 3 चिलिंग प्लांट बनाए गए। 1 सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम ने 24/7 काम किया। डिजाइन के अनुसार पहले सीधा 500 फीट ऊंचा कंक्रीट का कोर बनाया गया। इस कोर की बगल में लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क। इस फ्रेमिंग के ऊपर लगाए गए ब्रॉन्ज के 6500 पीसेस। पर इस विशालकाय कंस्ट्रक्शन को मुमकिन बनाने के लिए विशाल स्तर पर मानव बल जरूरी था, जो कि पूरा किया भारत के कोने कोने से आए कुशल और अर्ध कुशल मानव बल और कर्मी दल ने। और नर्मदा जिले के बागड़िया गांव के पास लार्ज स्केल पर प्रीकास्ट यार्ड, फैब्रिकेशन यार्ड, ब्रॉन्ज यार्ड और रीइंफोर्समेंट बेंडिंग यार्ड्स भी बनाए गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक वर्ल्ड आइकन बनने जा रहा था, जिसे मुमकिन बनाने में 24/7 जुटे हुए थे करीब 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, जिन्होंने डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक रत्ती भर की भी कसर नहीं छोड़ी। साथ ही 4500 से ज्यादा स्किल फोर्स और कई लाख मानव दिनों की प्रखर परीक्षा चल रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाने में जरूरी था कि इसमें अब तक के सबसे अच्छे टेक्निकल माइंड का उपयोग हुआ हो, और जहां भी जरूरत पड़ी वहां विश्व के सबसे बढ़िया एक्सपर्ट से सलाह ली गई। केवल स्टैच्यू ही नहीं, इसके साथ ही बन रहे थे ब्रिज, 3-स्टार होटल जिसका नाम दिया गया श्रेष्ठ भारत भवन, मेमोरियल और विजिटर सेंटर, यूटिलिटी बिल्डिंग, 320 मीटर लंबा 26 मीटर चौड़ा अप्रोच पुल और 6 किलोमीटर का 4 मार्गीय रास्ता, जिसके लिए भारत भर में से विशाल स्तर पर माल सामान, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और पत्थर लाए गए। स्टैच्यू के निर्माण में जिस मटेरियल का उपयोग हुआ उसमें 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मेट्रिक टन रेनफोर्समेंट स्टील, 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज का उपयोग हुआ है।
कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 90% से ज्यादा निर्माण सामग्री भारत के अलग अलग हिस्सों से मंगाई गई थी और निर्माण कार्य में शामिल 99% से ज्यादा वर्कफोर्स और इंजीनियर्स भी थे भारतीय। देखा जैसे सरदार पटेल ने भारत को एक किया, उनकी प्रतिमा ने फिर से भारतीयता को एक किया। पर एक खास बात जो कि हर बार हमारे दिलों को छू जाती है वो ये कि सरदार पटेल खुद एक किसान पुत्र थे और उन पर बन रही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण में देश भर के किसानों ने अपना लोहा समर्पित किया। इससे इस प्रतिमा की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और जब हमें पता चले कि 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा का निर्माण केवल 48 महीनों के अंदर पूरा हुआ है तो हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, जिसका पूरा श्रेय जाता है हजारों वर्कर्स को, भारत की 125 करोड़ जनता को, गुजरात सरकार के भरसक प्रयास को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखने का साहस किया और उसे पूरा करके दिखाया। 31 अक्टूबर 2018 को वो नजारा क्या खूब होगा जब धरती और आसमान के बीच शान से खड़ा होगा हमारा सरदार।